हमारी फिटनेस जर्नी में वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोज तो हम जानते हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, इनको हमने पूरा करना होता है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक मिनरल ऐसा है जिसको आप अगर नहीं ध्यान में रखते, नहीं पूरा करते, तो आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और एज अ फीमेल आपको वो वैसे भी बहुत तंग करेगा। आप कुछ भी प्रोडक्टिविटी अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या है वो मिनरल, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनल कपूर, एन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर, और आज हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी अगर होती है तो ये सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, आपके काफ्स में बहुत पेन होना, अगेन आपकी स्किन जो है पेल हो जाना, ड्राई हो जाना, हेडेक्स, हेयर लॉस, और तो और कंसंट्रेट ना कर पाना, किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाना। तो ये जो सारे सिम्टम्स में से आपको कुछ भी अगर ऐसा फील होता है तो हो सकता है आप आयरन डेफिशिएंट है। और अगर आप फीमेल है तो मंथली साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है तो उससे तो और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका वैसे रोल होता क्या है हमारी बॉडी में, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। नंबर वन, क्या करता है ये हमारे जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड मसल्स, हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब ऑक्सीजन जब सप्लाई होगा तभी हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, तभी हमारी जो सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स सब इफेक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं। जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो रिएक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये सब सिम्टम्स महसूस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम अपनी ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक कि आप आउटसाइड सोर्स जैसे कि सप्लीमेंट से पूरा करें, और दूसरा कि आप नेचुरल फूड सोर्सेस से पूरा करें। अगर मैं बात करूँ सप्लीमेंट्स की, तो इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है ये कि सप्लीमेंट्स में आपकी बॉडी को क्या चाहिए उसको नहीं पता एग्जैक्टली। तो उसमें तो फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टी विटामिन ले रहे हो तो सब मिनरल्स डाल दिए जाएंगे। हो सकता है कोई मिनरल ऑलरेडी हो आपकी बॉडी में, आप ले रहे हो उसको, लेकिन आप उसको सप्लीमेंट के साथ भी ले रहे हो तो वो एक्सेस हो गया आपकी बॉडी में, तो वो रिस्की भी हो सकता है क्योंकि उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए नेचुरल फूड सोर्सेज आर बेस्ट, क्योंकि नेचर ने अपने आप को बहुत अच्छे से बनाया है। कैसे, अगर मैं बात करूँ एक ऑरेंज की, तो उस एक ऑरेंज में विटामिन डी भी है और कैल्शियम भी है। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, तो साथ में दिए ये दोनों चीज़ें जो अब्सॉर्ब करवा सके। अब अगर मैं बात करूँ स्पिनच की, पालक, इसके अंदर आयरन है, हम सब जानते हैं, हम सब ने पॉपॉय तो देखा ही होगा बचपन में, तो इसके अंदर आयरन है। आयरन के साथ साथ इसमें विटामिन सी भी दिया गया है जिसका रोल होता है उसको एब्जॉर्ब करवाना। तो नेचर ने जो फूड सोर्सेस है बहुत अच्छे से बैलेंस करके दिए हैं कि आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब भी कर सके और जो उसको नहीं चाहिए वो निकाल दे। तो हम अब बात करेंगे वो कौन से फूड सोर्सेज हैं जिससे आप अपनी आयरन इनटेक कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। जल्दी से बताऊंगी, बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर वन, नट्स एंड सीड्स। नट्स में काजू बादाम, सिंपल, याद रख लो, सोख करके खाना है, बहुत इजी है। सीड्स, सीड्स में हेम्प सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स बहुत अच्छी हैं, ये आप ले सकते हो। उसके अलावा आप अपनी डाइट में दाल, इन सबको बहुत ज़्यादा इंक्लूड करो। दाल हो गए, चने हो गए, राजमा हो गए, ये तो आपका प्रोटीन तो पूरा करते ही करते हैं, उसके अलावा आपके आयरन, आपके फाइबर सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है अच्छे से कंप्लीट करने में। और तो और ग्रीन्स,
ग्रीन्स तो एक मैजिक इंग्रेडिएंट है, ऐसा हम सोचते हैं ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन अपनी मेन मील में एक सब्जी के साथ एक ग्रीन तो बहुत ज़रूरी है, ऐड करनी ही करनी है। और उस सब्जी में मैं बोलूँ तो एक आंवला भी साथ में डाल दो, उसके अंदर विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी के लिए तो बहुत अच्छा है। तो एक आंवला एवरी डे आपने अपनी मील में डालना है ताकि वो साथ में कुक हो जाए और आप उसको खा सको साथ के साथ। फ्रूट की बात करूँ तो बनाना बहुत ज़रूरी है, बनाना में आपको आयरन मिल जाएगा, तो फ्रूट में बनाना। और सैलड की बात करूँ तो बीटरूट आप साथ में खाइए, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आयरन अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करेगी। तो ये एक कंक्लूडिंग पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स। नंबर वन, जैसे कि मैंने आपको बोला, विटामिन सी इसको अच्छे से अब्जॉर्ब करवाता है। नंबर टू, आपका जो कैफीन है, ये जो टी और कॉफ़ी की आदत है, ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है अब्जॉर्ब नहीं होने देता हमारे मिनरल्स को, हमारे विटामिंस को। तो आप जितना इसे अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, अगर आप बीन्स को सोक करके उसको स्प्राउट करके खाते हैं तो वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। और लास्ट में मैं बस इतना कहूँगी कि आप अपना जो फूड है वो आयरन यूटेंसिल में कुक करिए, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन की मात्रा और बढ़ जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट था और आई होप आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें अपनी मील्स में। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू एंड टेक केयर। Call me a